फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिटरेचर इन विक्टोरियन एरा जिसमें बात करेंगे हम विक्टोरियन प्रोज के बारे में विक्टोरियन पोएट्री विक्टोरियन नॉवल का डिस्कशन होगा आज की इस वीडियो में इन की क्या क्या कंडीशंस थे कैसे इस जॉनर ने अप्लिमेंट किया है एट दिस टाइम एट द एरा ऑफ द क्वीन विक्टोरिया उसका डिस्कशन इस वीडियो में होगा तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और जुट जाइए आप सभी इस चैनल पे इस वीडियो के साथ में

फ्टर द रोमांटिक रिटरेचर ऑफ दिक्टियड क्योंकि बेसिकली तो हम बात करेंगे रोमांटिक से रिलेटेड की रोमांटिक एरा में लव रिलेटेड पोएट्री नेचुरल पोएट्री इमोशनल पोएट्री सब्जेक्टिविटी रिलेटेड पोइट्री को लिखा गया है लिटरेचर को लिखा गया है इस टाइम पे अब जब विक्टोरियन एरा में लिटरेचर एंटर हुआ तो वो एक न्यू एक्सपीरियंस था इस टाइम के राइटर्स के लिए क्योंकि ये टाइम था जहां पे लोग रियलिज्म ज़्यादा रियलिज्म पे यकीन करते थे और वो एक तरीके का फंक्शनैलिटी यहाँ पे स्टार्ट हुआ कि लिटरेचर जो था इस टाइम का वो रोमांटिक ना होकर के रियलिस्टिक अप्रोच के साथ में लिखा गया दिक्टोरियन इज रिच इन इट प्रोड्यूस टू ग्रेट पोएट्स लाइक टेनिसन एंड ब्राउनिंग Dramatists like Shaw and Galsworthy, novelists like Charles Dickens and Hardy, and essays like Carlyle and Stevenson. and this age is remarkable for excellence and of its literature. In सभी जितने literary figure का अभी मैंने mention करा हुआ है, आपको description दिया आपको और उनका name mention किया, उनको ध्यान मेरा करके आज का discussion करेंगे कि literature किस तरीके से इस ऐरा में था। रियलिस्टिक तो, एप्रोच के साथ में लिखा जाने लगा, जो एक लिटरेचर था कहीं ना कहीं एक था में, या में. Revolution, revolution तो, इस तरीके के वर्क्स का डिस्कशन करेंगे और सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम विक्टोरियन प्रोज की विक्टोरियन प्रोज क्या था इस टाइम पे किस तरीके के प्रोज वर्क्स लिखे गए हैं उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं विक्टोरियन एज प्रोड्यूस टू ग्रेट अस लाइक कार्लाइल एंड

89 का टाइम था जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है और ये 1837 में इन्होंने लिखा हुआ है तो फ्रेंच रेवोल्यूशन मीन्स के बारे में पास्ट के जो इवेंट्स हुए हैं और उसने किस तरीके से अफेक्ट किया हुआ है लिटरेचर को या वर्ल्ड को पीपल के माइंडसेट को उसके बारे में इन्होंने बात की ऑफ ऑन हीरोज के बारे में बात की हीरो वर्शिप हीरोइक इन हिस्ट्री के बारे में बात की तो उनके जो प्रोज वर्क थे दे वर रिलेटेड टू द पास्ट एंड

ने वर्क लिखा हुआ है कि उनका जो एक मन था उनका जो एक विश थी कि वो अपने लिटरेचर में अपने में में इस तरीके से चीजें क्रिएट करते थे सो so दैट जो ऑब्स्टेकल्स एक ह्यूमन प्रोग्रेस उनके हैप्पीनेस में सामने आती हैं वो सब कुछ ना रहे वो उसको सब कुछ वो कहीं ना कहीं हटाना या उनको रिमूव करना वो इनका मेन मोटिव होता था कि ह्यूमन बीइंग जो है वो सफर ना करे और अपने एक प्रोग्रेसिव और एक हैप्पी लाइफ को हैप्पी लाइफ को पास करे तो ये इनका एक इनका एक एक मेंशन था एंड एपोलॉजी फॉर नेक्स्ट हम बात करेंगे पोएट्री से रिलेटेड विक्टोरियन पोएट्री की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले माइंड में हमारे आते हैं एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन ब्राउनिंग एंड एनॉल दीज आर थ्री ग्रेट पोएट्स हु लिव्ड दिस एट द टाइम ऑफ द क्वीन विक्टोरिया और क्वीन विक्टोरिया का जो टाइम था कि विक्टोरिया के टाइम पे एक तरीके का पीस एंड प्रोस्पैरिटी का टाइम ड्यूरेशन था एंड दैट्स वाई जितनी भी चीजें थी चाहे आप इकोनॉमिक कंडीशन की बात करो पोलिटिकल कंडीशन की बात कर लो या आप आर्ट लिटरेचर की बात कर लो दी वर वेरी प्रोग्रेसिव एट दैट टाइम एट द एज ऑफ दी

अगर हम लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में जो विक्टोरियन एरा में जो आ, ने लिखे गए हैं, वो बहुत ही टची वर्क लिखे हैं और बहुत ही एक कंफ्लिक्ट एंड कॉम्प्रोमाइज से रिलेट करते हुए वर्क को विक्टोरियन एरा में एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन ने लिखा हुआ है उनके वर्क की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें से सबसे पहला हमारा जो इन मेमोरियम जो एक एलेजीपोएम है टेनिशन ने लिखी हुई है इसके बारे में हमने यहाँ पे बात की कि उनके फ्रेंड के मेमोरी में उन्होंने अपने वर्क्स को लिखा था उनका इम्पोर्टेंट वर्क टिम्बर्क टू है अगर बात करते हैं अदर वर्क्स की और इसके साथ साथ की यूलिसिस है क्रॉसिंग दी बार अदर पोयम्स की बात कर रहे हैं ब्रेक 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 ये भी अदर है इनका पोएम है एंड टीयर्स फॉर द आइडलर्स है इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोएम्स टाइटोनस है

रॉबर्ट Robert Browning. Robert Browning ब्राउनिंग uh, ने अपने वर्क लिखे हैं उसकी बहुत ज्यादा हम प्रेज करते हैं इस वजह से कि एक इस टाइम ड्यूरेशन में क्योंकि विक्टोरिया नेरा का जो टाइम ड्यूरेशन था वो एक कॉन्फ्लिक्ट कॉम्प्रोमाइज का टाइम ड्यूरेशन था और उस टाइम ड्यूरेशन में पोयट्री लिखना इस तरीके की एक अप्रोच एक, एक, एक रियलिस्टिक अप्रोच या आप एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ में पोइट्री लिखना इज वन ऑफ दी बेस्ट थिंग एट दैट टाइम और इनके वर्क्स की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने मैक्सिमम ड्रामेटिक मोनोलॉग से रिलेटेड वर्क है से लिखा हुआ है एंड ऑल हिस् मोनोलॉग डील डिफरेंट ऑस्पेक्ट ऑफ लव सिट के बारे में इन्होंने पोइट्री में एक होपफुल अप्रोच के साथ में बात की है इनके अगर वर्क की बात करते हैं मेन एंड वेमेन ये इनका वर्क है द रिंग एंड बुक ड्रामेटिक इनका ड्रामेटिक है ड्रामेटिक लिरिक वर्क है ड्रामेटिक रोमैंस एंड रिरिक्स इनके कुछ कलेक्शन ऑफ पोएम्स है जिसमें इन्होंने अलग अलग पोएम्स लिखी हुई है आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पोएट की इस एरा से रिलेटेड जो विक्टोरियन पोएट्री को एक अपलिपमेंट दिया है इस टाइम ड्यूरेशन में और एक ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे विक्टोरियन को एक ग्रेट टाइम बनाने का इस टाइम ड्यूरेशन में ग्रेट जोनर बनाने का दैट वाज मैथ्यू एंड ऑल जहां पे रॉबर्ट ब्राउनिंग एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ में पोएट्री लिखते थे वहीं पे आप मैथ्यू एंड ऑल की पोएट्री देखोगे दैट इज पेसिमिस्टिक अप्रोच ही हैड पोएट्री लिखी हुई है जो क्लास था बिटवीन दी रिलीजन एंड साइंस एक फेथ एंड रीजन की बात हो गई है इस टाइम ड्यूरेशन में उसके बारे में बहुत न, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे और इसी वजह से वो

poetry he had written composed From here we have the victorian novels victorian novels ki baat karenge friends so novel was the genre that was the main important genre of the victorian era at this time and we have the charles dickens dickens was the great novelist of this period he makes the uh, minute study of the whole mankind he represents lively picture of human society

इट इज अलक्यूमेंट दैट ब्रिंग्स टू लाइट मिजरेबल कंडीशन ऑफ बोर्डिंग हाउसेज एंड वुमेन एजुकेशन चाइल्ड लेबर एंड ऑल्सो सोशल इनजस्टिस के बारे में इस चाइल्ड इस डेविड कॉपर फील्ड नॉवल में बात की गई है क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो लिटरेचर इज द मेर ऑफ दोसाइटी लिटरेचर जो होता है वो सोसाइटी का मिरर होता है जो कुछ भी उस कंटेम्प्री टाइम में चीजें हो रही होती हैं या वो चाहे वो अच्छी हो या चाहे वो एक प्रोस्पेरिटी से रिलेटेड हो चाहे वो प्रोग्रेसिव वे में हो रही हो या चाहे वो इनजस्टिस या एक करप्टिव वे में हो रही हो चीजें सोसाइटी में जो पोएट होता है या जो राइटर होता है उस टाइम का लिटरेरी फिगर होता है वो उस टाइम को रिफ्लेक्ट करता है अपने वर्क में कहीं ना कहीं उस चीज की एक ग्लिम्स हमें देता है कि इस टाइम में ऐसी ऐसी चीजें हुआ करती थी एंड दिस हैपेंड विथ दी वर्क यू विल सी दैट वॉज रिटर्न बाई दार्ल्स टिकेन्स इनके अदर वर्क की अगर हम बात करते हैं तो ऑलिवर ट्वेस्ट निकोलस निकलवाई क्रिसमस कैरोल डॉम्बी एंड सन

Test of the River Village का जो pure सब टाइटल है उसकी बात करते हैं तो अप्योर वेमेन है इनके अदर नोटेबल वर्क की बात करेंगे तो अंडर द ग्रीन वुड ट्री Far from the marrying crowd, mayor of the Cashier Bridge, test of the River village, and Jude the obscure. These are the important uh, works he had written. Or in publication year, ke saath mein these works mention hai yahan pe. Aap isko note down kar लीजिएगा friends. Iske saath hi saath friends, George Eliot ki baat karte hain. Mary Anne Evans, inka jo tha real name tha. George Eliot was the pen name. Published Mill and the Floss in 1860 and in 1871, her most famous work, Middle March. Yeh, kuch important works. This time duration is not the time The significant novelists of the era Elizabeth Gaskell, Anthony Tropel, George Meredith, George Gissing, and Anne Bronte, Charlotte Bronte, and the Emily Bronte. These are the three Bronte sisters who lived at the era of the Victorian Queen Victoria. and uh, इन्होंने अपने वर्क्स को इस टाइम में लिखा हुआ है तो लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो पोइट्री एंड नॉवल टू मेन इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिकली हम नॉवल की बात करते हैं कि फिक्शन रिलेटेड वर्क्स को इस टाइम में जो लिखा है या नॉवेल की बात करें वो एक मोस्ट प्रोमिनेंट जॉनर था इस टाइम ड्यूरेशन का और ये बात करते हैं कि ये एक डोमिनेंट जॉनर था विक्टोरियन एरा का जिसमें बहुत से इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया है इंग्लिश लिटरेचर को इस टाइम ड्यूरेशन में विक्टोरियन एरा में और अपने एरा को रिफ्लेक्ट करा हुआ है अपने वर्क्स में तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हमने कंडीशन की बात की जो कि लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे थे कि लिटरेचर का क्या एक स्कोप था विक्टोरिया नेरा में किस तरीके से लिटरेचर ने अप्लिफमेंट किया हुआ है या लिटरेचर का प्रोग्रेस क्या था इस टाइम ड्यूरेशन में किस किस तरीके के वर्क को लिखा है इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर्स नहीं सैरा के उसके बारे में हमने इस वीडियो में बात किया और बने रहिएगा चैनल के साथ में हम कुछ और वीडियोस के साथ में आपसे कनेक्ट होंगे एमसीक्यूज का डिस्कशन करेंगे यूजीसी नेट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी डिस्कशन होगा आगे अपकमिंग डेज में जो कि इन मैं काम करूंगी उस वर्क पे उस वीडियोस पे और आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज मिलेंगे इसके साथ ही साथ यूपी टीजीटी यूपी पीजीटी के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लेके आएंगे उसके सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे इस इंपॉर्टेंट अपने चैनल पे इंग्लिट जोन पे कीप वाचिंग इंग्लेट जोन फॉर द बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ योर इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम थैंक यू वेरी मच वाचिंग दिस